मित्सुबिशी इज़ फाइनली कमिंग बैक टू इंडिया। मित्सुबिशी ने इंडिया में TVS मोबिलिटी के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके पहले फेज में वो इंडिया में 300 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। अभी ये क्लियर नहीं है कि कार्स वो कौन कौन सी लेकर आएंगे इंडिया में, बट हाँ, हम इंडियंस मित्सुबिशी की जिस कार को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो है इनकी पजैरो। सो लेट्स सी कि 2024 की फेसलिफ्ट पजैरो में हमें क्या क्या मिलता है और जिसके इंडिया में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और इस कार की इंडिया में ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ये यहाँ लॉन्च होते ही हिट हो जाएगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट 2024 मित्सुबिशी पजैरो। फ्रंट पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ट्राई LED हेडलैम्प स्ट्रक्चर मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश आपको DRL मिल जाता है। नीचे के साइड में आपको फॉग लैम्प अलॉन्ग विद द टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। सिल्वर स्लिट्स का यहाँ पर यूज किया गया है जो बहुत क्लासी लग रही है। मित्सुबिशी की बहुत स्मार्ट बैजिंग आपको दी गई है। क्रोम का यूज आपको काफी ज्यादा दिखाई देगा यहाँ पर, बहुत ब्रॉड एलिमेंट में क्रोम को यूज किया गया है। ग्रिल का डिजाइन यस काफी सिंपल रखा गया है, लेकिन काफी एलिगेंट आपको लगेगा। इन ओवरऑल अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो काफी स्मार्ट कार लगती है। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं और आपको फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। अगर हम इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हैं ना दोस्त, तो देखिए ये ज़्यादा मैसिव लग रही है, ज़्यादा अग्रेसिव लग रही है। ये गाड़ी का रोड प्रेजेंस ना, मुझे पर्टिकुलरली, वैसे मैं फॉर्चुनर लवर हूँ, लेकिन अगर ये गाड़ी आएगी इंडिया में तो उसको छोड़ के इसको ही खरीदें। साइड में जैसे ही आप मूव करेंगे, यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। 18 इंच के अलॉयज आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत अच्छा खासा इस कार के अंदर आपको स्पेस मिलता है। चाहे आप क्लैडिंग से टायर की बात कीजिए, चाहे ग्राउंड क्लियरेंस की बात कीजिए, दोनों ही आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। स्टेपर्स आपको कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, जहाँ पर सिल्वर एंड ब्लैक का यूज़ किया गया है, और ये बहुत रिक्वायर्ड लग रहे हैं इस कार के अंदर एंटर करने के लिए। यस, क्योंकि गाड़ी की हाइट बहुत अच्छी खासी है, मैं तो छोटी सी लग रही हूँ इसके सामने। और पीछे मूव करेंगे तो देखिए आपको क्रोम के साथ डोर हैंडल्स मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड पे मिलेंगे, ड्राइवर पे भी और पैसेंजर पे भी। और जो हमारा ORVM है, यहाँ पर भी काफ़ी सारा क्रोम का यूज़ किया गया है। गाड़ी को हाईलाइट करने की ना पूरी कोशिश की गई है, बहुत फ्लैशी कार बनाई गई है और सीरियसली काफ़ी अच्छी भी लग रही है। 68 लीटर का आपको फ्यूल टैंक दिया गया है और यहाँ पर ये गाड़ी आपको 11 से 12 की एवरेज देती है। और साइड प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो साइड प्रोफाइल इज सो स्टनिंग, बहुत ही ज़्यादा आपको स्मार्ट लगती है। इस कार की अगर डायमेंशंस की बात करूँ तो बहुत अच्छी खासी डायमेंशन आपको मिलती है। 4825 इस कार की लेंथ है। अगर हम बात करें इसकी ब्रेथ की तो वो आपकी 1815 है, और इस कार की जो हाइट है दैट इज 1835। रियर प्रोफाइल की अगर आप लोग बात करेंगे तो रियर कार का काफ़ी मस्कुलर है, काफ़ी अच्छा आपको दिखने वाला है। सबसे ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, ये आपको बिग साइज स्पॉइलर मिल जाते हैं। ये हमारी बैक लाइट है जो काफ़ी स्टाइलिश आपको दी गई है। डिफॉगर प्लेस किया गया है, वाइपर आपको मिलता है, मित्सुबिशी की बैजिंग आपको मिल जाती है, पजैरो स्पोर्ट यहाँ पे मेंशन किया गया। आपको मैंने बताया कि इस कार में काफ़ी अलग अलग वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। पजैरो स्पोर्ट यहाँ पे मेंशन किया गया, आपको मैंने बताया इस कार में काफ़ी सारे वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल हैं। टोटल 6 वेरिएंट इस गाड़ी के अंदर आते हैं। टेल लाइट्स का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा आपको दिखने वाला है और किसी कार से रिजेंबल भी करता है, ये सीधा नहीं तो उल्टा करके बताना मुझे कमेंट्स में। रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे के साइड में आपको काफ़ी सारे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। लोअर बम्पर को आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक दिया गया है, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये। यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर्स भी प्लेस किए गए हैं। पावर टेल गेट आपको मिलता है और इसके अंदर देखिए, अगर हम सारी रोज को इस तरीके से डाउन कर देते हैं तो इतना बड़ा बूट स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं भैया, गद्दा डाल के सोते बजाओ ट्रिप पे। और देखिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार सीट के आगे सीट है क्या, ऐसा नहीं है दोस्त। यहाँ पर ये सीट आपकी हो गई अप, और वो जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वही आपका सीट का बेस है। इसको अप करेंगे तो ये आपकी सीट बन गई है पूरी, लाइक दिस। यहाँ पर आपको स्पेयर टायर नहीं दिया जाता, आपका जैक एंड टूल किट रखने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। पंचर किट दे दिया उन्होंने, पंचर हो गया भैया खुद लगा लेना। और देखिए डोर डिजाइनिंग की अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे लेदर का भी यूज किया गया है अलॉन्ग विद द प्लास्टिक। ब्लैक पियानो फिनिश भी थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है ताकि थोड़ा सा लुक एनहांस हो जाए। यहाँ पर टिप एंड टम्बल फैसिलिटी दी गई है ताकि आप जो पीछे जाएंगे, जैसे फॉर्चुनर वगैरह में मिलता वही है, टिप एंड टम्बल, फिर आप मजे से पीछे चले जाइए। तो पीछे भी आपके पास डिसेंट जगह है बैठने के लिए, और अगर आप सीट्स को डाउन कर देंगे तो बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं बैठती हूँ, अरे सीट्स बहुत हैवी होती हैं भाई। आपको स्टेप पैडल डेफिनेटली इस कार के अंदर यूज करना पड़ेगा क्योंकि कार की हाइट काफ़ी अच्छी खासी है, तो बहुत ह्यूज साइज, बहुत मस्कुलर सा व्हीकल है ये।
यहाँ पर मैंने आपको बोला कि बहुत अच्छा सा फील आता है। सबसे पहली बात कि आपको कंफर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, आगे भी कंफर्टेबल है लेकिन पीछे भी सीटिंग काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको अपनी सीट को रिक्लाइन करना, आपको दिखाई दे रहा होगा ये काफ़ी रिक्लाइन हुआ हुआ है, ये भी आपका इतना रिक्लाइन हो जाएगा, इतना नहीं काफ़ी हो जाएगा, तो इतना रिक्लाइनेशन आपको मिलता है, आप आराम से सोते हुए भी जा सकते हैं, अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। रियर में आपको 12.1 इंच का स्क्रीन दिया जाता है, ये आपका मल्टीमीडिया स्क्रीन है जो आपका फुल ऑन इंफोटेनमेंट ही है। इसमें आप अपनी मूवी भी देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को भी चला सकते हैं और HDMI के थ्रू अपना लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं। 150 वॉट का आपको प्लग दिया गया है, यहाँ पर आपके पास 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। AC वेंट्स की अगर मैं बात करूँ पीछे के लिए तो वो आपको साइड पे मिल जाते हैं, बैक वाले जो पैसेंजर है उनके भी AC वेंट्स आपको साइड में दिए गए हैं, जो बैक में बैठेंगे उनके लिए साइड में आपको कप होल्डर भी मिल जाते हैं। सामने के साइड में हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये आपका फुल ऑन डिजिटल है, सारी रीडिंग्स आपको डिजिटल मिलने वाली है यहाँ पे, चाहे आपकी स्पीड है, चाहे आपका टैकोमीटर है, चाहे आपका ट्रिप है, टायरट्रॉनिक्स, ये सारी रीडिंग्स क्लैरिटी के साथ और डिजिटल फॉर्म में आपको शो होंगी। 6.8 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ये आपके टच के साथ आता है और देखिए काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको इस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। और ऐप्स में आपको यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों मिलने वाले हैं, दोनों आपके वायरलेस हैं। AC वेंट्स आपको इस तरीके से दिए गए हैं। सेंटर कंसोल में फुल ऑन यहाँ पर ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है। डिज़ाइनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सिल्वर टेक्सचर्ड डिज़ाइन का यूज़ किया गया जो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। पीछे के साइड में भी आपका बहुत स्मार्टली डिज़ाइन एलिमेंट को ऐड किया गया जिसकी वजह से गाड़ी आपको काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करेगी। और नीचे की तरफ आप मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको बूट ओपनिंग का कंट्रोल दिया गया है, एयरबैग्स को ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आपके पास AC कंट्रोल यूनिट दी गई है, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इस कार के अंदर गिवन है। नीचे के साइड में आपके पास 2 USB पोर्ट है और ये आपको HDMI पोर्ट भी मिलता है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया जो आपको लगेगा कि लाइटर है बट इट इज़ नॉट। यहाँ आपको वायरलेस चार्जर की जगह दी गई है। इस कार के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का यूज़ किया गया है आपकी पजेरो स्पोर्ट के अंदर। और ये गाड़ी आपकी 2-wheel ड्राइव के साथ आती है। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स हैं जहाँ पर किसी में आपको 2-wheel मिलता है, किसी में आपको 4-wheel ड्राइव मिलता है। बेस वेरिएंट जो आपका मैनुअल के साथ आता है वहाँ पर आपको 4-wheel ड्राइव मिल जाती है, और टॉप वेरिएंट जो आपका ऑटोमेटिक के साथ आता है वहाँ पर भी आपको 4-wheel ड्राइव मिल जाती है। जो बीच के वेरिएंट है वो ज़्यादातर आपके 2-wheel ड्राइव ही है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जिसमें हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ पर आपको 4-wheel ड्राइव मिलता है जिसके कंट्रोल आपको इस तरीके से दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक को आप एंगेज करेंगे यहाँ से, ये आपका ऑटो होल्ड फीचर भी है यहाँ पर। ट्विन कप होल्डर यहाँ आपको दिया गया है। सेंटर में अगर आप बात करेंगे तो अंदर के साइड में आपको यहाँ पे फोन रखने के लिए जगह दी गई है जो आप एज अ ट्रे भी यूज कर सकते हैं, और उसके नीचे भी आपको डिसेंट साइज का स्टोरेज मिल जाता है। ग्लव बॉक्स आपको लॉक कंट्रोल के साथ मिलता है और डिसेंट साइज इसमें भी आपको मिल जाता है। पजेरो स्पोर्ट की बैजिंग आपको दी गई है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जगह पर प्लास्टिक का ही यूज़ दिखाई देगा, लेकिन जहाँ आपके बॉडी पार्ट टच होते हैं जैसे आपके यहाँ पे थाई टच होती है यहाँ इन्होंने सॉफ्ट टचेस दिए हैं ताकि आपको कम्फर्टेबल फील हो वाइल ड्राइविंग। यहाँ आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है और जो आपके ORVM कंट्रोल है वो आपको इस यूनिट में दिए गए हैं, नॉट ऑन द डोर। डोर के ऊपर आप इसे मिस करते हैं। यहाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। डोर कंट्रोल्स की अगर आप बात करते हैं तो चारों विंडो आपको पावर्ड मिलती है, सारी आपके सिंगल टच अप एंड डाउन एंड एंटी पिंच फंक्शन के साथ है। लॉक एंड लॉक कंट्रोल यहाँ पर है और विंडो कंट्रोल्स को लॉक कर सकते हैं आप इसकी हेल्प से। इलेक्ट्रोक्रोमिक ORVM आपको मिल जाता है। लाइट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। सेंटर में हमारे पास गॉगल होल्डर है, आप अपने ग्लासेस रख सकते हैं यहाँ पर। वैनिटी मिरर आपको दिया गया है विद द लाइट फीचर। इंजन की अगर आप बात करेंगे दोस्त तो यहाँ पर आपका 2.4 लीटर डीजल इंजन का यूज किया गया है जो आपको पावर देता है 181 हॉर्स पावर और आपको टॉर्क मिल जाता है 430 न्यूटन मीटर का। तो अगर ये गाड़ी इंडिया में आती है तो जो लोग भी फॉर्च्यूनर ओनर हैं मेरी तरह वो लोग 110% स्विच करने वाले हैं पजारों पे, क्योंकि इस कार का टशन सीरियसली बहुत अलग लेवल पे था। और जो लोग कंफ्यूज है जिन्हें कोई कंपटीशन नहीं मिलता है फॉर्च्यूनर के लिए, वही खरीदने के लिए हम लोग बाउंड भी रहते हैं कि फोर्ड हमारी एंडेवर जा चुकी है, बाकी ग्लॉस्टर को इतना हम लोग पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक चॉइस मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ पजारो, जहाँ पर हम काफ़ी अपने माइंड को क्लियर करके अपनी चॉइस को सेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कार के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल। If you gave me your whole life, I would still have a room for more, 'cause I've got that app.